हेलो दोस्तों, सवाल आपके और जवाब मेरे सीरीज़ में ये सेकेंड वीडियो है एनपीएस को लेके। जिसको टायर वन टायर टू का डिफरेंस समझना है वो मेरी दूसरी वीडियो जो पहले अपलोडेड है उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनपीएस टायर वन है ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। तो देखते हैं दोस्तों, हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एनपीएस से। बेसिकली एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम। ये स्कीम है उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड लोग हों, जो भी ये चाहते हैं कि आज जब वो काम कर रहे हैं तो वो कुछ छोटी छोटी सेविंग्स करें और उनके रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ एक अच्छा सम मिल जाए जिससे वो फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर फील करें। तो सिर्फ इस स्कीम को ही, इस चीज को फॉलो अप करने के लिए स्कीम आई है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें दो एस्पेक्ट्स पर बात करूंगी, एक तो मॉनेटरी और एक टैक्स रिलेटेड। देखिए, जब हम बात करते हैं एनपीएस की तो यहां मैं बात कर रही हूं टायर वन की। तो टायर वन में क्या रहता है कि आपको बेसिकली हर मंथ कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है इस स्कीम के अंडर, जो है मिनिमम 1000 रुपीज़। उसे कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उससे आपको एक प्रान नंबर मिलता है और आपको लॉगिन डिटेल्स मिलती हैं। फिर आप ऑनलाइन जाके और अपने लॉगिन डिटेल्स यूज़ करते हुए मंथली हर महीने वो 1000 या आप उससे ऊपर चूज़ करना चाहें कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि आपको आपकी 60 साल की उम्र तक तो करना ही होगा। जो लोग इससे बियॉन्ड भी करना चाहते हैं वो 75 इयर्स तक कर सकते हैं। आप जिस दिन तक भी इसे कंट्रीब्यूशन करेंगे अप टू 60, तब तक ये इन्वेस्टमेंट जो है ये ऐड होती रहेगी और उसके अंदर उससे रिलेटेड रिवॉर्ड्स ऐड होते रहेंगे। और जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको जो मिलेगा उसे हम बोलते हैं टोटल सम, जो होता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लस रिवॉर्ड्स, ये टोटल आपको मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है, लेट्स सी। देखिए दोस्तों, जब मैच्योरिटी होती है तो हम बोलते हैं कि आपने 60 साल की उम्र अटेन कर ली है, तब आप मैच्योर माने जाते हैं कि दिस इज़ नॉर्मली मैच्योर। तो उस केस में आपको जो टोटल सम मिलने वाला होता है उसका 40% तो ये कहते हैं कि आप एन्यूटी प्लान लेने के लिए डाल दो। उसके बाद जो बैलेंस फिगर बचती है उसे ये लंप सम में देते हैं। आप ये 40% को इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, 100% भी एन्युटी प्लान में डाल सकते हो। आप चाहो तो आप लंप सम लो ही मत, ठीक है, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इसे ले सकते हो। ये कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस है, आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं, मीन्स कितना परसेंटेज लेना चाहते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है। लेकिन कुछ क्रिटेरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ एक इंसान चाहता है कि नहीं भाई, मुझे पेंशन से कोई लेना देना नहीं, मेरा तो इन्वेस्टमेंट इसलिए था कि एक टाइम पे जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लमसम कुछ मिल जाए। तो वो जो लमसम आपको मिलेगा वो 100% मिल सकता है, लेकिन वो तब मिल सकता है अगर आपका टोटल सम जो आएगा इन्वेस्टमेंट प्लस रिवॉर्ड वो 5 लाख या उससे कम की वैल्यू हो। इसका मतलब कि मेरे लिए ज़बरदस्ती है कि ये एन्यूटी में जाना, हाँ, क्योंकि स्कीम का नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। आपको शुरू से पता है कि ये आपको पेंशन दे के ही रहेगी, मीन्स ये बाइंडिंग है, यहाँ वॉलेंट्रीली नहीं आप कर सकते चूज़, ठीक है। जब हम दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं प्री मैच्योर, ऐसी कुछ घटनाएं जिसे इस स्कीम ने एक्सेप्ट किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम मैच्योरिटी से पहले भी आपको फंड्स दे सकते हैं। वो सिचुएशंस हैं फिजिकल इनकैपेबिलिटीज़, किसी भी वजह से ऐसे कोई कारण हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई अटैक आ गया या पैरालिसिस हो गया या समथिंग, जिसकी वजह से अब आप कैपेबल ही नहीं हो अर्न करने के, मतलब आप डिपेंडेंट हो गए। जो फैसिलिटी आपको एक रिटायरमेंट के बाद चाहिए थी आपको आज ही चाहिए, या फिर जो भी पर्सन एनपीएस कर रहा है उसकी डेथ हो गई है या वो मिसिंग है। तो ये तीनों ही केसेस में आपको डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ्स देने होंगे, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा आपके साथ अटैच्ड, उस डिपार्टमेंट को, उस अथॉरिटी को आप ये देंगे। और अगर वो कन्विंस्ड होता है तो आपकी ये जो होगी एनपीएस ये मैच्योरिटी से पहले ही मैच्योर मान ली जाएगी। लेकिन इसमें भी क्योंकि बाइंडिंग कंडीशन है, आपको 100% अमाउंट तो ये देंगे नहीं, बल्कि इस केस में 80% तो एन्यूटी में चला जाता है और 20% ही लंपसम मिलता है। ये जो 80% एन्यूटी है, आप बोलेंगे कि चलो इसको तो ठीक है,
इनकैपेबल हो गया है तो इसे तो पेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, लमसम शायद इतना यूज़ नहीं होगा। लेकिन जिसकी डेथ या मिसिंग हो गया वो तो चला ही गया, उसको क्या करना, मतलब पेंशन किसको मिलेगी? तो ये केस जो है यहाँ पे आपने जो भी नॉमिनी दिया है या फिर जो भी आपके लीगल हेयर हैं, जो भी सिनेरियो अवेलेबल है, उसको ये फैसिलिटी आगे मिल जाएगी। इस केस में भी हमारे पास एक्सेप्शन है कि आपको लमसम मिल सकता है, बट क्राइटेरिया क्या है, अगर आपका टोटल सम 2.5 लाख या उससे नीचे की वैल्यू रखता है। दोस्तों इसके अलावा जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो इसलिए क्योंकि मैं आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डील करती हूँ, तो इनकम टैक्स हमें क्या बेनिफिट देता है? जैसे कि टायर 1 टायर 2 में हमने देख लिया था कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो टायर 1 की इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हमें हर साल जितना हमने इन्वेस्ट किया उसकी डिडक्शन मिल रही होती है ATC, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक होता है एक साल में। अब बात आती है मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलने वाला है वहाँ, तो जब आप मैच्योरिटी देखते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है एन्यूटी प्लान, एक आता है आपके पास लमसम अमाउंट, और एक आती है आपके पास पेंशन, है ना, नॉर्मल कोर्स में। तो जो आपके पास एन्यूटी परचेज करने का प्लान रहता है वो जितना भी परसेंट आपने चूज़ किया है वो पूरा का पूरा फिगर एग्जम्प्ट है टैक्सेशन से, राइट। जब आप लमसम रिसीव करते हो तो वो भी पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है टैक्स ब्रैकेट से। और जब आप पेंशन की बात करते हैं तो जो पेंशन आप मंथली रिसीव करेंगे वो आपको 100% टैक्स होगी एज सैलरी, जैसे भी आपको सैलरी टैक्स होती है उसकी जो भी इंटरनल डिडक्शंस होती है या जो भी फॉर्मेट रहता है वो सेम अप्लाई हो जाएगा पेंशन के ऊपर। अब बात करते हैं कि क्या ये टैक्स प्लानिंग का अच्छा तरीका है, बेहतर तरीका है? हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी जितना अमाउंट आपने दिया वो आपको डिडक्शन की तरह क्लेम हो रहा है, टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। और जब आप उस अमाउंट को बाद में विद द इन्वेस्टमेंट विद द रिवॉर्ड रिसीव कर रहे हैं तो भी उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लग रहे, आप अपनी पेंशन की फिगर को प्लस माइनस करवा सकते हैं। तो दोस्तों आई गेस कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ हो, इसमें कोई भी और आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसकी 3rd एंड फाइनल वीडियो जो मैं रिलीज़ करूँगी इसके बाद, उसमें मैं आपको एक डेमो दूंगी जो कि साइट है, आप चाहें तो खुद भी विजिट कर सकते हैं, npstrust.org.in। आई होप सबको विजिबल होगा, ये थोड़ा सा लाइट कलर से लिखा हुआ है। तो इस साइट पे आप जा करके खुद से अपना पर्सनल व्यू चेक कर सकते हैं, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है 1,000, 2,000, 3,000 और कितने स्पैन के लिए करना है, तो वो आपको एक टेंटेटिव अमाउंट बता देते हैं लमसम की और एन्यूटी की क्या बनती है, तो आप अपना मोस्ट फेवरेबल प्लान वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।